मैं सभी कस्टमर को बोलता हूँ आप 6 महीने बाद जाके रिव्यू दीजिए, वो रिव्यू जेन्युइन होता है। एग्जैक्टली कि 6 महीना गाड़ी आपके पास कैसा चला, मैं तो आपके साथ बिहेव अच्छा करूंगा, बिहेव अगर अच्छा नहीं करूंगा तो आप गाड़ी नहीं परचेस कीजिएगा। राइट, बिहेवियर के ऊपर मेरा रिव्यू नहीं होगा, मेरा गाड़ी के ऊपर रिव्यू होगा, क्वालिटी के ऊपर रिव्यू होगा। मैं बिहेवियर भी अच्छा करूंगा, गाड़ी भी अच्छा दूंगा। हम लोग प्राउडली बोल सकते हैं इनकोड ऑटोस कोई भी गाड़ी एक्सीडेंटल, कोई भी गाड़ी फ्लडेड, कोई भी गाड़ी मिस सेल नहीं करता है। तो ये सब छोटा 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 चीज सिर्फ कलकत्ता ट्यूब पे इंफॉर्मेशन आता है क्लैरिटी के साथ, दैट्स द डिफरेंस दोस्तों। सो दैट यू मेक अ वाइज परचेज, वैल्यू फॉर मनी परचेज। शोभुजदा को सब कोई जानता तो है, लेकिन ऐसे भी बहुत सारा कस्टमर है जो बोलता है हाँ शोभुजदा को मैं फॉलो तो करता हूँ लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया हूँ, मैं कलकत्ता ट्यूब सर्च करके देखा हूँ। है फ्रेंड्स, सुपर डुपर स्टॉक्स ओनली इन एनकोर ऑटोस। यस, आई एम बैक टू एनकोर ऑटोस। चारों तरफ मेरा गाड़ी ही गाड़िया देख पा रहे हो, सो एक झलकिया दिखा देंगे वरना SX ऑप्शनल टॉप ऑफ द लाइन, फिर होंडा सिटी VX ऑटोमेटिक टॉप ऑफ द लाइन विथ सनरूफ, क्रेटा टॉप ऑफ द लाइन SX, फिर से स्विफ्ट VXi, फिर होंडा सिटी टॉप ऑफ द लाइन VMT, सेंट्रो मेरे ये साइड पे, सामने पोलो Volkswagen पोलो हाई लाइन टॉप ऑफ द लाइन, फिर से क्विड छोटा हैचबैक 1 लीटर का इंजन RXT वेरिएंट, फिर से स्विफ्ट VXi ओनली 30,000 रन, ऑल्टो 800, इस तरफ है i10 ओनली 18,000 रन, ब्रायो होंडा ब्रायो, फिर से i20 स्पोर्ट्स वेरिएंट सुपर कंडीशन, बलेनो इसका जो सामने का ग्रिल है पूरा का पूरा चेंज है एकदम सुपर लुक के साथ, जेटा पुश बटन के साथ i20 एक्टिव, और आखिर में अमेजिंग कार अमेज, वो भी ऑटोमेटिक। एनकोर ऑटोस न्यू वालीपुर, मिस्टर देव द प्रोपराइटर। तो कैसे हैं शुभुजदा? सर मैं तो अच्छा हूं, बट काफी सारा कंप्लेंट्स है सब्सक्राइबर्स का, जैसे कि एनकोर ऑटोस का वीडियो नहीं आता है आजकल ठीक टाइम पे। एग्जैक्टली, एक्चुअली क्या होता है ना कि हम लोग चुन चुन के गाड़ी लेते हैं, तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि हम लोग स्क्रैप गाड़ी उठा के उसको लो प्राइस में बेच के चैलेंजिंग प्राइस चिल्लाएंगे, तो इसीलिए अच्छा गाड़ी उठाएंगे और कस्टमर को चैलेंजिंग प्राइस भी देंगे। एक तो मेरा बदनाम हो रहा है कि मैं सिर्फ क्वालिटी चिल्लाता हूँ, अच्छा, और उसमें ज्यादा प्राइस मेरा डीलर्स लोग मांगते हैं। हाँ। तो मैं एक चीज क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूँ, सिर्फ गाड़ी का क्वालिटी तो होता नहीं है, ओनरशिप भी होना चाहिए। बिल्कुल, फर्स्ट ओनर का गाड़ी सेकेंड ओनर हो गया, थर्ड ओनर हो गया, फोर्थ ओनर हो गया, प्राइस क्या सेम रहता है? नहीं, एकदम नहीं है। प्लस वेरिएंट भी है, वेरिएंट इज वेरी क्रूशियल, लो वेरिएंट, मिड वेरिएंट, हाई वेरिएंट। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, जैसे कि मान लीजिए कोई थर्ड ओनर गाड़ी बेच रहा है, ठीक है, मान लीजिए यही पोलो, कोई थर्ड ओनर गाड़ी बेच रहा है, थर्ड ओनर गाड़ी आपको 2.5 लाख में मिल रहा है, बात का बात, थर्ड ओनर गाड़ी 2.5 लाख में मिल रहा है, और एक फास्ट ओनर गाड़ी आपको कभी 2.5 लाख में नहीं मिल सकता है, क्योंकि वो थर्ड ओनर गाड़ी खरीदा ही है लो प्राइस में, इसीलिए बेच भी रहा है लो प्राइस में, तो ये थोड़ा जजमेंट होना चाहिए कस्टमर के अंदर। मैं तो हमेशा हर वीडियो पे समझाने की कोशिश करता हूँ, बट स्टिल देर आर मेनी व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स हु डोंट अंडरस्टैंड दिस बेसिक थिंग, दे ओनली कंपेयर विद द प्राइसिंग। क्योंकि देखिए मेरा ब्लॉग पे क्या सिर्फ गाड़ी बोला जाता है कि ये पोलो है, 10 का पोलो 15 तक टैक्स है, बस खत्म प्राइस, ऐसा होता है? डिटेल्स में जाता ही नहीं है, डिटेल्स बोला जाता है कि नहीं मेरा ब्लॉग पे? क्यों बोला जाता है? फॉर द प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, सॉरी, आपका ही ब्लॉग में पूरा डिटेल्स बोला जाता है, नहीं तो पूरा लाइन वाइज गाड़ी का सिर्फ नाम और 10 का गाड़ी बोल के चला जाता है, तो इसीलिए वीडियो भी थोड़ा सा लेंदी होता है, ठीक है, लेकिन हाँ जो गाड़ी के लिए कस्टमर आ रहा है उसको पूरा नॉलेज है कि ये पोलो देख रहा हूँ या फिर ये i20 देख के आ रहा हूँ, तो इसका पूरा नॉलेज मेरे पास है, मैं डीलर को जाके थोड़ा सा और एक बार पूछ के मैं वो गाड़ी फाइनल कर सकता हूँ। सो दोस्तों, वेरिएंट इज वेरी वेरी क्रूशियल, प्लीज चेक कीजिए कौन सा वेरिएंट है, वेरिएंट के ऊपर पूरा खेल है प्राइस का, सेकंड ओनरशिप के ऊपर खेल है पूरा प्राइस का, सिर्फ क्वालिटी नहीं,
गाड़ी तो अच्छा होना चाहिए, नॉन एक्सीडेंटल होना चाहिए, बट वेरिएंट प्लस ओनरशिप, दिस आर द टू क्रूशियल यूएसपी ऑफ एनी यूज कार. इसी के ऊपर पूरा का पूरा प्राइसिंग डिपेंडेंट है. आपका एड्रेस? अच्छा, एक्चुअली इनकोड ऑटोस वी आर लोकेटेड एट न्यू अलीपुर ट्रायंगुलर पार्क नियर गुप्ता ब्रदर्स. अगर आप मेट्रो से आ रहे हैं तो नज़दीक मेट्रो स्टेशन आपका रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन होगा या कालीघाट मेट्रो स्टेशन होगा. अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो नज़दीक आपका स्टेशन होगा न्यू अलीपुर स्टेशन या फिर माझेरहाट स्टेशन. अगर आप हावड़ा से बस से आ रहे हैं तो 37 बस आता है, एकदम ऑफिस के सामने ही उतार देगा. कुछ कन्फ्यूजन रहेगा, स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप लोग कॉल कर लीजिएगा, हम लोग जरूर आपको असिस्ट करेंगे. सुपर. तो पहले स्टार्ट करेंगे डीजल गाड़ी से. बिल्कुल. प्रीमियम हैचबैक पोलो, सुंदर कलर पे, टॉप ऑफ द लाइन, हाई लाइन. ये जो गाड़ी देख रहे हैं आप शोभुजदा, 2014 एंड का गाड़ी है, 2014 नवंबर का गाड़ी है. गाड़ी है सेकेंड ओनर, मैं आपको पूरा बता दे रहा हूँ. हम लोग बोल देते हैं, नंबर चेक कर लीजिए वाहन में, आपको दिखाई देगा सीरियल ऑफ ओनर, सेकेंड ओनर है. लेकिन गाड़ी फुल्ली मेंटेन्ड है, राइट. गाड़ी का जो खासियत है, ये डीजल में है, प्लस 1.5 TDI, इसका 1.5 वाला वेरिएंट है. इसका 1.2 आता था और एक 1.5 आता था, 1.5 TDI में है. ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे मेरा ब्लॉग पे ये सब तोड़ तोड़ के बताया जाता है. नहीं तो मान लीजिए कि 1.2 का प्राइस काफी कम होता है. एग्जैक्टली. सेकेंड ओनर का प्राइस काफी कम होता है. तो ये सब चीज हम लोग क्लैरिफिकेशन के साथ बोलते हैं ब्लॉग पे, राइट. तो ये जो 2014 का गाड़ी है, 24 तक रोड टैक्स वैलिड मिल जाएगा. गाड़ी मेजोरिटी ओरिजिनल पेंट में है, 90% ओरिजिनल पेंट. सिर्फ पीछे का बम्पर टचअप हुआ है और एक साइड का वो रनिंग पैनल टचअप है. ये भी क्लैरिटी देखिए, क्लैरिटी सोचिए समझिए. बाकी फुल गाड़ी ओरिजिनल पेंट में है. हल्का एक दो हेयरलाइन स्क्रैचेस मिलेगा आपको, क्योंकि ये ओरिजिनल पेंट में है बोल के हम लोग नहीं करवाए. ठीक है. गाड़ी का सीट कवर नया है, प्लस इसका जो माइलेज हम बताना चाहेंगे, कोलकाता सिटी में विथ एसी इसका माइलेज 18-19 किलोमीटर पर लीटर दे देता है. ओके. ठीक है. ये गाड़ी का हम लोग इनकोड ऑटोस के तरफ से जो प्राइस कोट कर रहे हैं वो ओनली 3,35,000. और मैं इसमें और एक चीज बताना चाहूंगा, अभी मानसून चल रहा है, बारिश का मौसम आ चुका है, तो मानसून ऑफर हम लोग दे रहे हैं. ये गाड़ी का जो प्राइस है 3,35,000, ऑन टेबल तो डिस्काउंट थोड़ा बहुत होगा, प्लस नेम ट्रांसफर ऑल ओवर इंडिया में फ्री. Okay. अगर आप एनओसी लेना चाहते हैं तो एनओसी भी फ्री होगा, अगर आप नेम ट्रांसफर करवाना चाहते हैं तो नेम ट्रांसफर भी फ्री ऑफ कॉस्ट करना होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं. प्लस आपको बायबैक गारंटी दे रहे हैं, बायबैक गारंटी. आप गाड़ी खरीद दीजिए, उसके बाद अगर गाड़ी आप घर पे ले जाते हैं, आपको चलाने के बाद लगता है कि गाड़ी में कुछ भी प्रॉब्लम है, गाड़ी लेके आइए, पूरा पैसा आपका रिफंड मिलेगा. क्या बात है, और क्या ऑफर दे सकते हैं बोलिए. नथिंग. प्लस और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, 6 मंथ का आपको वारंटी भी मिल रहा है. ठीक है. 6 मंथ का इंजन और ट्रांसमिशन के ट्रांसमिशन के ऊपर वारंटी गाड़ी के ऊपर, सभी गाड़ी के ऊपर. व्हाटएवर ही हैज सेड, ऑल दिस विल बी गिवन टू ऑल द कार्स. जितना सारा गाड़ियां दिखाएंगे, एक तो कुछ इशू होगा तो यू कैन गिव अ बाई बैक. एग्जैक्टली. कुछ भी इशू होगा यू कैन ऑप्ट फॉर ए बाई बैक, प्लस 6 मंथ का वारंटी भी होगा. साथ पे दिस इज ए 1.5 लीटर लाइक ही हैज मेंशन, डीजल हाई लाइन टॉप ऑफ द लाइन. So, 3,35,000 with name transfer. अगर बाहर जाता है तो with NOC. Honda MS facelifted second generation automatic. जी हाँ, 2019 का गाड़ी है, 24 तक road tax valid मिल जाएगा, fast owner गाड़ी है, 29,000 kilometers been driven with service record, fast owner गाड़ी है, majority original paint में है. जैसे कि शोभुजदा मेंशन कर चुका है, एस वेरिएंट में है, लेकिन ऑटोमेटिक सीवीटी ट्रांसमिशन में, नॉट ऑटोमेटिक. होंडा सीवीटी गियरबॉक्स यूज करता है, सीवीटी ट्रांसमिशन में है. गाड़ी एस वेरिएंट होते हुए आपको क्लाइमेट कंट्रोल, डिजिटल एसी, 2 एयरबैग, पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो, जो बेसिक फीचर्स मिड वेरिएंट में रहता है, सब कुछ है. ये जो गाड़ी हम लोग इनकोर ऑटोस के तरफ से प्राइस कोट कर रहे हैं वो ओनली 3,95,000 में ये गाड़ी आप अपने लिए बना सकते हैं. और आपको एक चीज और मेंशन करना चाहूंगा, लोन फैसिलिटीज भी अवेलेबल है. आप 20% डाउन पेमेंट दीजिए, बाकी 80% लोन भी हो जाएगा. और ये क्या नेम ट्रांसफर इंक्लूसिव है? एग्जैक्टली.
वो नेम ट्रांसफर इंक्लूडिंग रहेगा, माने 395 इंक्लूडिंग नेम ट्रांसफर, ऑटोमेटिक है दोस्तों, बार बार रिपीट करना चाहता हूँ, मैनुअल के साथ कंपेयर मत कीजिए, ऑटोमेटिक सीवीटी एमएस रेयर टू रेयर रेस्ट है। एग्जैक्टली, और माइलेज भी थोड़ा सा मेंशन करना चाहता हूँ, जैसे सीवीटी में हो सकता है बहुत कस्टमर सोच सकते हैं कि माइलेज बहुत कम मिलता है, ऐसा नहीं है, सीवीटी का माइलेज सिटी में विथ एसी आपको दे देगा 14-15 किलोमीटर पर लीटर, और हाईवे में आपको 18-19 किलोमीटर पर लीटर दे देगा। बलेनो जेटा वेरिएंट पुश बटन अलॉयज, बट इसका जो यूएसपी है, मैं बोलूंगा यूएसपी, इसका ग्रिल देखिए सामने का पूरा चेंज किया गया है। तो ये जो ग्रिल होता है ये कस्टमाइज ग्रिल, थोड़ा गाड़ी को मतलब आई कैची रोड प्रेजेंस, एग्जैक्टली, थोड़ा सा मतलब हेवी टाइप, हेवी वेट जब आप चला के जाओगे रास्ते से हर कोई देखेगा कौन सा गाड़ी है, इसलिए राइट। तो जो हम चाहते हैं जब गाड़ी हम लोग खरीदते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा गाड़ी हर कोई देखे, एग्जैक्टली, सबको चाहेगा, राइट। सो अ डिफरेंट लुक, हाँ, इसके लिए पूरा लुक्स चेंज हो चुका है, जेटा वेरिएंट में है, ट्रस्ट मी, जेटा और अल्फा में ज्यादा कुछ डिफरेंस था नहीं, सिर्फ आपका रियर पार्किंग कैमरा का डिफरेंस होता था, अल्फा में आपका इनबिल्ट कैमरा आ जाता था, जेटा में कैमरा नहीं आता था, तो इसमें कैमरा भी इंस्टॉल्ड है। बाकी आप अगर जेटा और अल्फा के साथ कंपेयर कीजिएगा, अल्फा में जैसे आपका टस्किन नेविगेशन म्यूजिक सिस्टम मिल जाएगा, इसमें भी है, एलॉय मिलेगा उसमें भी एलॉय है, सारा कुछ सेम, मतलब ऑटोमेटिक हेडलाइट, ऑटोमेटिक वाइपर, सारा कुछ सेम, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, लाइट्स, सारा कुछ फीचर्स है, सिर्फ कैमरा का डिफरेंस है। नहीं, डिफरेंस एक है, पता है आपको, अल्फा से यह जेटा का प्राइस डिफरेंस काफी हो जाएगा, बिल्कुल, सब कुछ फीचर तो मिलेगा, कस्टमर विल बी बेनिफिशियल, एग्जैक्टली, सस्ता पे आ जाएगा, काफी सस्ता में आ जाएगा। फर्स्ट ओनर, और एक चीज मैं भूल गया बोलने में, 35,000 किलोमीटर ड्रिवन विद सर्विस रिकॉर्ड, क्या बात, प्रोफेसर सर का गाड़ी था, तो उन्होंने जो भी सर्विस किया है पूरा फर्स्ट टू लास्ट मारुति से ही किया है, तो अगर आपको सर्विस हिस्ट्री निकालना है तो आपको सर्विस हिस्ट्री भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे। कब का गाड़ी, 2019 का गाड़ी है, 24 तक रोड टैक्स वैलिड मिलेगा। ये जो गाड़ी का इनकोड ऑटोस की तरफ से प्राइस हम लोग कोट कर रहे हैं वो ओनली 5,99,000, वो भी इंक्लूडिंग नेम ट्रांसफर एंड ऑल, इंक्लूडिंग नेम ट्रांसफर, फ्री वारंटी, फ्री बाई बैक फैसिलिटी। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, जैसे स्टार्टिंग पे मैंने बोला ओरिजिनलिटी, माने आपका कन्फ्यूजन है कि ऐसा है ओरिजिनल नहीं है मैं नहीं खरीदूंगा, चिंता मत कीजिए, ये जो सामने का है ना ये जस्ट एक कवर है, ये जैसे आप खोल लोगे जो ओरिजिनल बोनेट है वो पूरा इंटैक्ट है, राइट, हाँ, ओरिजिनल बोनेट नहीं, ओरिजिनल ग्रिल, ग्रिल पूरा इंटैक्ट मिलेगा आपको, माने सिर्फ ग्रिल का ही चेंजेस है, बोनेट का कुछ चेंजेस नहीं है, ग्रिल, एग्जैक्टली, माने मैं आप सामने आओगे तो आप देख भी पाओगे ये जो अंदर है ये ओरिजिनल ग्रिल है। थोड़ा सा मैं कैमरामैन को बोलूंगा सामने आने के लिए, ये देखिए गैप है, तो ये आप जैसे खोल लोगे ओरिजिनल पूरा जैसा आता था, जैसे अगर कस्टमर को चाहिए कि हाँ मुझे वो ओरिजिनल ग्रिल वाला चाहिए, मुझे लगाना है, तब आप खुद फिट कर सकते हो जैसा आपका मर्जी। हुंडई क्रेटा टॉप ऑफ द लाइन, A6 नहीं, A6 ऑप्शनल, ऑप्शनल पे पुश बटन आता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, A6 पे पुश नहीं आता है, चाबी आता है, A6 ऑप्शनल। ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं ये 2017 का गाड़ी है, 27 तक रोड टैक्स वैलिड मिल जाएगा, फास्ट ओनर गाड़ी है, 51,000 किलोमीटर ड्रिवन, बम्पर टू बम्पर अभी ओरिजिनल पेंट में है, नॉट ए सिंगल पट टचअप हुआ है, इसीलिए थोड़ा सा हल्का सा एक स्क्रैच दिखेगा बम्पर में, वो अगर कस्टमर का रिक्वायरमेंट होता है तो ज़रूर हम लोग उसको टचअप करके देंगे, लेकिन हम लोग इसमें बिलीव करते हैं कि कस्टमर पहले देख ले उसके बाद हम लोग करवा के देंगे। तो ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं पेट्रोल वेरिएंट में है, जैसे कि शोभुजदा मेंशन कर चुका है कि टॉप ऑफ द लाइन है, तो इसमें सारा कुछ फीचर्स मिल जाएगा, जैसे कि आपका पुश बटन स्टार्ट, एयरबैग, एबीएस, ईबीडी, सारा कुछ फीचर्स मिल जाएगा, अलॉयज, सारा कुछ टॉप ऑफ द लाइन में, जो बैक कैमरा, स्टीयरिंग कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, एग्जैक्टली, जो फीचर्स होना चाहिए। ये जो गाड़ी हम लोग इनकोर ऑटोस के तरफ से प्राइस कोट कर रहे हैं वो ओनली 7,49,000, वो भी इंक्लूडिंग नेम ट्रांसफर, थोड़ा सा प्राइस नेगोशिएबल भी हो जाएगा, वो ऑन टेबल हम लोग बात कर लेंगे, बाय बैक गारंटी भी मिलेगा, ऑल ओवर इंडिया में आपको ट्रांसपोर्टेशन भी देंगे,
सारा कुछ, मतलब गाड़ी रिलेटेड आपको कुछ भी होगा तो हम लोग मतलब वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा इनकोर ऑटोस के तरफ से। 2017 का गाड़ी, 27 तक टैक्स, ये भी यूएसपी है, फर्स्ट ओनर है दोस्तों। किलोमीटर वी हैव मेंशनड, वेरिएंट वी हैव मेंशनड, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, डे टाइम रनिंग लाइट्स भी आ जाएगा। i20 है, i20 एक्टिव है, क्रॉसओवर है, ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस है, माने थोड़ा ऊंचा है नॉर्मल एलिट i20 से, और एक SUV जैसे एक लुक पे आता है ये गाड़ी, और फीचर भी एलिट i20 से ज़्यादा होता है। हाँ जी सर, थैंक यू सो मच शुभुजदा, आप ही बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जाता हूँ, गाड़ी के बारे में इन्फॉर्म करता हूँ। 2015 का गाड़ी है, फुल बम्पर टू बम्पर अभी ओरिजिनल पेंट में है, नॉट ए सिंगल पट टचअप हुआ है, गाड़ी जस्ट अभी आ चुका है, गाड़ी में सर्विस पॉलिश बाकी है, वो हम लोग करके देंगे। 2015 का गाड़ी 25 तक रोड टैक्स वैलिड मिल जाएगा, जैसे कि शोभुजदा बोल चुका है, i20 एक्टिव इस वेरिएंट में है, इस वेरिएंट में आपको पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो, एयरबैग, सारा कुछ फीचर्स मिल जाता है, अलॉयज मिल जाता है। गाड़ी का शेप थोड़ा सा अलग होता है क्योंकि इसमें आपका ये जो स्कर्टिंग मिलता है तो इसलिए थोड़ा सा लुक्स अट्रैक्टिव करता है। SUV जैसा, जैसे मैंने बोला, ये क्रॉसओवर है, माने नॉर्मल हैचबैक नहीं है। तो ये जो गाड़ी है, हम लोग इनकोर ऑटोस के तरफ से इसका प्राइस कोट कर रहे हैं ओनली 4,19,000, 4,19,000 इंक्लूडिंग नेम ट्रांसफर, इंक्लूडिंग वारंटी, इंक्लूडिंग बायबैक गारंटी। सुपर सुपर सुपर, ठीक है, तो आप लोग आइए, गाड़ी देखिए, उसके बाद आप लोग डिसाइड कीजिए कि गाड़ी कैसा है। और हम लोग जैसे कि वीडियो का पहले ही बोल चुके थे, क्वालिटी 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 करके ज्यादा नहीं चिल्लाएंगे, सिर्फ क्वालिटी नहीं, आप जज कीजिए, राइट, सिर्फ क्वालिटी नहीं, पूरा का पूरा डिटेलिंग, वेरिएंट हमने बता चुके हैं, पेट्रोल है, डीजल है बता चुके हैं, फर्स्ट ओनर बता चुके हैं। किलोमीटर कितना है इसका? इसका किलोमीटर ओनली 37,000 किलोमीटर ड्रिवन है, पेट्रोल गाड़ी है, पेट्रोल गाड़ी, फर्स्ट ओनर है, फास्ट ओनर, 37,000। तो फिर से समझिए, क्वालिटी तो है ही, पूरा ओरिजिनल पेंट तो है ही, बट साथ पे फर्स्ट ओनर वी हैव मेंशनड, वेरिएंट वी हैव मेंशनड, पेट्रोल डीजल वी हैव मेंशनड विद फुल क्लैरिटी, किलोमीटर कितना वी हैव मेंशनड, सिर्फ क्वालिटी नहीं, पूरा का पूरा डिटेलिंग के साथ। एग्जैक्टली, तो शोभुजदा सेम गाड़ी, सेम मॉडल नहीं, आपका टॉप ऑफ द लाइन था, ये स्पोर्ट्स वेरिएंट में है, आप तो यूज़ करते थे, इसका रिव्यू थोड़ा आप दे दीजिए। 7 साल मैंने यूज़ किया, मैं मानता हूँ कि जितना सारा i20 आज तक आया है, दिस इज़ द फ्लूइडिक शेप, सबसे आई कैची शेप यही है। आज भी आप देखोगे ये शेप पुराना नहीं होता है, आज भी व्हेन आई लुक एट दिस शेप मुझे तो एकदम नया जैसा लगता है। एटलीस्ट मेरा गाड़ी जब जब मैं देखता था 9 साल पुराना था, बट हमेशा मुझे एक न्यू वाइब आता था, एक फ्रेश एपिल आता था, कभी कभी वो मतलब आपको फील होने नहीं देगा। और ये सबसे फर्स्ट गाड़ी था इंडिया का जहाँ पे डे टाइम रनिंग लाइट्स इंट्रोड्यूस हुआ था, फर्स्ट एक हैचबैक पे। प्लस ये जो गाड़ी है इसका जो स्पेस है काफी अच्छा स्पेसियस मिलेगा, और इंजन मक्खन। तो इसका डिटेल्स में आ जाते हैं शोभुजदा, 2012 का गाड़ी है, 27 तक रोड टैक्स वैलिड मिल जाएगा, फास्ट ओनर, स्पोर्ट्स वेरिएंट में है, गाड़ी का 51,000 किलोमीटर ड्रिवन है, फुल बम्पर टू बम्पर ओरिजिनल पेंट में है, नॉट अ सिंगल पट अभी तक टचअप हुआ, पेट्रोल पेट्रोल में, फर्स्ट ओनर 51,000 किलोमीटर चला लिया उन्होंने, प्लस फुल गाड़ी ओरिजिनल पेंट में रखा है, तो आप सोच लीजिए गाड़ी कितना मेंटेन था। और ये कलर भी काफी प्यारा है, काफी अच्छा सोफिस्टिकेटेड कलर में, वेरी वेरी गुड, राइट। ये जो गाड़ी का हम लोग इनकोर ऑटोस के तरफ से, अच्छा स्पोर्ट्स वेरिएंट में क्या आता है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, डिजिटल एसी आ जाएगा, स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल आ जाएगा, एयरबैग आ जाएगा, ऑटो फोल्डेड मिरर आ जाएगा, एलॉय व्हील्स मिल जाएगा, सारा कुछ फीचर्स मिल जाएगा। तो ये जो गाड़ी हम लोग इनकोर ऑटोस के तरफ से प्राइस कोट कर रहे हैं शोभुजदा, वो ओनली 2,65,000, वो भी इंक्लूडिंग नेम ट्रांसफर के साथ मिलेगा, वो भी बायबैक के साथ मिलेगा। सुपर, 2,65,000 इंक्लूडिंग नेम ट्रांसफर, 12 का गाड़ी, 27 तक टैक्स है, स्पोर्ट्स वेरिएंट है विद ऑल द बेल्स एंड विसल्स। बेसिकली आप लोग जो ढूंढते हो वरना पे,
एक तो टॉप मोस्ट वेरिएंट होना चाहिए और साथ पे क्रेज है डीजल का, वरना ऐसा गाड़ी है सेडान में जिसका एकलौता क्रेज है डीजल पे। तो ये है डीजल, ये है टॉप ऑफ द लाइन एसएक्स नहीं, एसएक्स ऑप्शनल विथ पुश बटन एलॉयस बैक कैमरा स्टीयरिंग कंट्रोल सब कुछ फीचर के साथ विथ फोर एयरबैग्स, फोर नहीं ड्राइवर सीट में भी आपको एयरबैग मिलेगा विथ सिक्स एयरबैग्स। वाओ राइट, 2011 का गाड़ी है, 26 तक रोड टैक्स वैलिड मिल जाएगा। गाड़ी मेजोरिटी ओरिजिनल पेंट में है, ये भी हल्का फुल्का टचअप हुआ है और इसका जो किलोमीटर ड्रिवन है ओनली 51,000 किलोमीटर ड्रिवन है। डीजल पे कुछ नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। आपको इसका माइलेज जो मिलेगा सिटी में बोलिए, हाईवे में बोलिए, बहुत अच्छा माइलेज मिलता है, 16-17 किलोमीटर पर लीटर सिटी में तो दे ही देगा। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, डिजिटल एसी, पुश बटन स्टार्ट क्योंकि एसएक्स ओ है इसीलिए स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल, सारा कुछ फीचर्स मिलेगा इसमें। ये गाड़ी का जो हम लोग एनकोड ऑटोस के तरफ से प्राइस कोट कर रहे हैं ओनली 3,35,000 इंक्लूडिंग नेम ट्रांसफर, लिटिल बिट नेगोशिएबल ऑन टेबल। मैं बार बार बोलना चाहूँगा सर, प्लीज़ आप फ़ोन पे नेगोशिएट मत कीजिएगा, आपको गाड़ी एक बार देखना है तो आइए, पसंद होता है तो हम लोग ज़रूर बैठेंगे, बात करेंगे, प्राइस लेके कुछ नेगोशिएट जरूर करेंगे सर। मारुति स्विफ्ट कितना प्यारा सा एक डे टाइम रनिंग लाइट्स, साथ पे फॉग लैम्प, गाड़ी का लुक ही पूरा चेंज हो गया है और अंदर एंड्रॉइड प्लेयर है मैं देख पा रहा हूँ। एग्जैक्टली, और कलर भी काफी प्यारा है, कॉपर ऑरेंज कलर में है एक्चुअली, ये जैसे कि पोलो हम लोग दिखाए थे वैसे ही सेम कलर में है। 2018 का गाड़ी है, फास्ट ओनर गाड़ी है, 37,000 किलोमीटर ड्रिवन। इसका जो टैक्स है 2018 का, मतलब 23 में टैक्स आएगा, आप बोलिएगा शुभुजदा राइट, तो इसका टैक्स हम लोग रिन्यू करके ही सेल करेंगे, मतलब 28 तक। एग्जैक्टली 28 तक कोई भी कस्टमर को बिना टैक्स बिना पेपर का गाड़ी सेल नहीं करेंगे। देखिए दोस्तों, टैक्स फेल हो चुका है, क्लियर कट आपको बोला जा रहा है फेल हो चुका है। जो भी गाड़ी जैसे भी मतलब कंडीशन में है पूरा पेपर अप टू डेट मिलेगा, ये गारंटी है। और फर्स्ट ओनर, फर्स्ट ओनर है, 37,000 किलोमीटर ड्रिवन VXI वेरिएंट में है, जैसे कि शोभुजदा मेंशन किए हैं कि एंड्रॉइड प्लेयर लगा हुआ है, ये DRL अलग से आफ्टर मार्केट लगा हुआ है, सीट कवर बहुत महंगा लगा हुआ है, ब्रांड न्यू टायर लगा हुआ है, जस्ट अभी 37-40,000 किलोमीटर में टायर चेंज होता है, तो अभी का भी टायर चेंज करके ही उन्होंने सेल किया है। तो ये जो गाड़ी हम लोग एनकोड ऑटोस के तरफ से प्राइस कोट कर रहे हैं वो ओनली 4,85,000 इंक्लूडिंग नेम ट्रांसफर, इंक्लूडिंग बायबैक गारंटी, इंक्लूडिंग टैक्स, टैक्स सो इंक्लूडिंग फ्री न्यू टायर्स, इंक्लूडिंग फ्री न्यू, वो तो फिटेड है वो हम नहीं बोलेंगे क्योंकि ये वो मैं नहीं दे पर, खर्चा exactly. होता है, देखिए हम लोग नहीं गिनते हैं इसके अंदर, बट सेकेंड हैंड गाड़ी पे नया टायर्स आ जाने से एक पीस ऑफ माइंड होता है। एग्जैक्टली exactly. अभी तो एटलीस्ट और 40,000 किलोमीटर चलेगा, मिनिमम 20,000-25,000 का खर्चा बच गया। और एक चीज बताना भूल गया, गाड़ी फुल बम्पर टू बम्पर ओरिजिनल पेंट में है, हम लोग प्राउडली बोल सकते हैं एनकोड ऑटोस कोई भी गाड़ी एक्सीडेंटल, कोई भी गाड़ी फ्लडेड, कोई भी गाड़ी मिस सेल नहीं करता है। ऑल डिटेल्स देंगे, आप डिटेल्स सुन के आइए, फिर आके आप पूछ लीजिए, फिर आके आप खुद चेक कर लीजिए, जब आप लोग आइएगा मैं पेपर आपके सामने रख दूंगा, पेपर चेक करके फिर गाड़ी देखिए। सुपर, मैं सभी कस्टमर को बोलता हूँ आप 6 महीने बाद जाके रिव्यू दीजिए, वो रिव्यू जेन्युइन होता है। एग्जैक्टली कि 6 महीना गाड़ी आपके पास कैसा चला, मैं तो आपके साथ बिहेव अच्छा करूंगा, बिहेव अगर अच्छा नहीं करूंगा तो आप गाड़ी नहीं परचेस कीजिएगा राइट, बिहेवियर के ऊपर मेरा रिव्यू नहीं होगा, मेरा गाड़ी के ऊपर रिव्यू होगा, क्वालिटी के ऊपर रिव्यू होगा, मैं बिहेवियर भी अच्छा करूंगा, गाड़ी भी अच्छा दूंगा। सिर्फ बिहेवियर अच्छा किया गाड़ी खराब दे दिया, और गाड़ी अच्छा दिया बिहेवियर खराब कर दिया, ऐसा नहीं करूंगा। तो दोनों चीज के ऊपर आप लोगों को भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जितना भी रिव्यू चेक करते हैं आप थोड़ा सा एक बार जजमेंट करके फिर गाड़ी लीजिए। सो वन मोर स्विफ्ट, जी हाँ, 2019 का गाड़ी है, VXI वेरिएंट में है, 28,000 किलोमीटर ड्रिवन विथ सर्विस रिकॉर्ड, फुल बम्पर टू बम्पर अभी ओरिजिनल पेंट में है और फर्स्ट टू लास्ट सर्विस हिस्ट्री आपको मिलेगा। वाओ, 24 तक रोड टैक्स वैलिड है, सारा कुछ पेपर वैलिड मिलेगा, टैक्स इंश्योरेंस पॉल्यूशन सारा कुछ फीचर्स सारा कुछ पेपर्स वैलिड है। ओनली 28,000 किलोमीटर ड्रिवन, VXI वेरिएंट है तो एयरबैग, ABS,
आपका पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो, सारा कुछ फीचर्स मिलेगा, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, सारा कुछ है। ये जो 2019 का गाड़ी हम लोग प्राइस कोट कर रहे हैं वो ओनली 4,80,000, ओनली 4,80,000 में ये खूबसूरत गाड़ी आप अपने लिए बना सकते हैं विद फ्री नेम ट्रांसफर, विद फ्री नेम ट्रांसफर, फ्री वारंटी, बाई बैक फैसिलिटी। होंडा सिटी सेकेंड जनरेशन बट फेस लिफ्टेड, देख सकते हैं नया ग्रिल, माने लास्ट वाला शेप सेकेंड जनरेशन का, टॉप ऑफ द लाइन VMT वेरिएंट विद अलॉयज, विद अलॉयज। तब VMT वाज द टॉप ऑफ द लाइन, तीन वेरिएंट आता था, EMT, SMT, VMT। तो ये VMT है, 2013 का गाड़ी है, 28 तक रोड टैक्स वैलिड मिल जाएगा, 28 तक रोड टैक्स, फास्ट टोनार्ड एडवोकेट का गाड़ी था, 52,000-53,000 किलोमीटर ड्रिवेन विथ ऑल ब्रांड न्यू टायर, होंडा का म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है, VMT वेरिएंट है तो टॉप मोस्ट वेरिएंट होता है, एयरबैग, EBD, EPS, सारा कुछ फीचर्स मिलेगा, 28 तक रोड टैक्स वैलिड के साथ सिस्टम भी आएगा, मैं देख पा रहा हूँ। हाँ, म्यूजिक सिस्टम भी आएगा, तो 28 तक रोड टैक्स भी मिल जाएगा। ये जो गाड़ी हम लोग इनकोर ऑटोस की तरफ से प्राइस कोट कर रहे हैं वो ओनली 3,49,000 में ये खूबसूरत सिटी अब अपने लिए बना सकते हैं। इसमें भी लोन फैसिलिटीज अवेलेबल है। ये कब का है? 2013 का है और टैक्स 28 तक। अभी टैक्स इसका एक्सपायर हो चुका है, हम लोग जब आपको डिलीवरी करेंगे टैक्स के साथ डिलीवरी करेंगे। सो 13 का गाड़ी 28 तक टैक्स है, VMT टॉप ऑफ द लाइन है, सेकेंड जनरेशन फेस लिफ्टेड है, इसी में भी प्राइस का खेल होता है। क्यों मैं बार बार हाईलाइट किया कि फेस लिफ्टेड सेकेंड जनरेशन का है, जो सेकेंड जनरेशन फर्स्ट जनरेशन है एकदम, उसमें प्राइस काफ़ी कम आता है। ये जो फेस लिफ्टेड एडिशन है इसका प्राइस बढ़ चुका था, इसका सबसे डिमांड ज़्यादा था उस टाइम पे, इसी के लिए डिमांड था, बिकॉज इट लुक्स गुड, लुक्स गुड। तो ये सब छोटा 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 चीज सिर्फ कैलकाटा ट्यूब पे इंफॉर्मेशन आता है क्लैरिटी के साथ, दैट्स द डिफरेंस दोस्तों, सो दैट यू मेक अ वाइज परचेज, वैल्यू फॉर मनी परचेज। मेरा थोड़ा सा इसमें बोलना है कि अगर आपको गाड़ी का फुल नॉलेज चाहिए, फुल डिटेल्स चाहिए, देखिए शोभुज दा हमको पेमेंट नहीं करता है राइट, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कोई भी कस्टमर बिना सोचे, बिना देखे, बिना इन्फॉर्म का कोई भी जगह से गाड़ी ले सकता है वो प्राइस कंपेयर करके, लेकिन अगर डिटेल्स में जान के उनको गाड़ी लेना है तो कैलकाटा ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। होंडा सिटी सनरूफ VX थर्ड जनरेशन प्लस ऑटोमेटिक CVT ऑटोमेटिक सनरूफ रेयर। एग्जैक्टली, ये जो होंडा सिटी आप देख रहे हैं 2016 का गाड़ी है, 26 तक रोड टैक्स वैलिड मिल जाएगा, जैसे कि शोभुजा बोल चुका है, होंडा सिटी VX CVT वेरिएंट में है, मतलब उस टाइम का टॉप मोस्ट वेरिएंट में है, फास्ट ओनर गाड़ी है, 36,000 किलोमीटर ड्रिवेन विथ सर्विस रिकॉर्ड। ये जो कलर है अर्बन टाइटेनियम कलर में आता है, गाड़ी मेजोरिटी बम्पर टू बम्पर ओरिजिनल पेंट में है, दो तीन पार टचअप हुआ है, ये डिनाइड नहीं कर रहा हूँ, आगे पीछे का बम्पर जैसे कि सिटी में राइड हुआ है, फास्ट ओनर जो चलाया था वो खुद सेल्फ ड्राइव किया था, कोई ड्राइवर से भी नहीं चलाया था गाड़ी, 2016 का गाड़ी है, 26 तक रोड टैक्स वैलिड मिल जाएगा। ये जो गाड़ी इनकोर ऑटोस की तरफ से हम लोग प्राइस कोट कर रहे हैं वो ओनली 5,99,000 इंक्लूडिंग नेम ट्रांसफर, इंक्लूडिंग वारंटी, इंक्लूडिंग बायबैक गारंटी के साथ, और साथ पे फर्स्ट ओनर वी हैव मेंशनड, वेरिएंट वी हैव मेंशनड, सो प्राइसिंग भी झकास है विथ नेम ट्रांसफर, नेम ट्रांसफर के साथ। सो अ स्मॉल हैचबैक लाल टोमेटो रेनो क्विड दो वेरिएंट पे आता है, 800 cc 1 लीटर, दिस इज अ 1 लीटर टॉप ऑफ द लाइन RXT वेरिएंट, 2018 का गाड़ी है, 28 तक रोड टैक्स वैलिड मिल जाएगा, फास्ट ओनर डॉक्टर ड्रिवन लेडी ओनर का गाड़ी था, गाड़ी का किलोमीटर चला हुआ है अराउंड 35,000 किलोमीटर, गाड़ी मेजोरिटी ओरिजिनल पेंट में है, हल्का फुल्का स्क्रैचेस था वो हम लोग फिनिश कर चुके हैं, आपको गाड़ी लेने के बाद कोई नॉट अ सिंगल पेनी खर्चा करना होगा,
जैसे शोभुजदा मेंशन कर चुका है, आरएक्सटी 1 लीटर वेरिएंट में है, तो इसमें टस्किन म्यूजिक सिस्टम, नेविगेशन, पावर स्टीयरिंग, एसी, सारा कुछ फीचर्स मिल जाएगा, पावर विंडोज सारा कुछ फीचर्स मिल जाएगा, प्लस 1000 सीसी का पावर भी मिलेगा आपको, 800 सीसी में उतना पावर नहीं रहता है, प्लस माइलेज भी मिलेगा। तो ये गाड़ी हम लोग एनकोड ऑटोस के तरफ से जो प्राइस कोट कर रहे हैं वो ओनली 2,99,000। 28 तक टैक्स दे के फर्स्ट ओनर 1 लीटर का इंजिन 299 विथ नेम ट्रांसफर, i10 चेरी कलर पे है, फुल बम्पर टू बम्पर ओरिजिनल पेंट में है, 2014 का गाड़ी है, 24 तक रोड टैक्स वैलिड मिल रहा है, फेस लिफ्टेड है, एग्जैक्टली सेकंड जनरेशन 1.1 IRDE इंजन के साथ है, 1.2 लीटर वाला इंजन नहीं है, इसका माइलेज आपको ज्यादा मिलेगा और पावर भी सेम ही है क्योंकि IRDE इंजन है, राइट 1.2 कप्पा इंजन में आपको 1.2 लीटर इंजन था, पावर भी था लेकिन उसमें माइलेज कम आता था, राइट लेकिन हुंडई ने क्या किया, 2014 से 1.1 लीटर इंजन लेके आया और IRDE इंजन दे दिया कि पावर भी रहेगा प्लस माइलेज भी रहेगा। जैसे कि आप लोग अगर कंपेयर कीजिएगा, अभी 1 लीटर टर्बो इंजन यूज कर रहा है हुंडई, राइट तो क्यों 1 लीटर है, आपको समझ, आप सोच सकते हैं कि 1 लीटर में तो पावर कम मिलेगा, लेकिन टर्बो दे दिया कि पावर भी मिलेगा माइलेज भी मिलेगा, माने इक्विवेलेंट टू 1.5 लीटर, एग्जैक्टली या उससे भी थोड़ा सा ज्यादा, एग्जैक्टली 1.6 लीटर का पावर तो मिल ही सकता है, राइट 120 bhp आता है उसमें। तो ये जो गाड़ी का डिटेल्स, इसका जो मेजर यूएसपी है, ओनली 18,400 किलोमीटर ड्रिवन विथ सर्विस रिकॉर्ड, 18,000 गाड़ी में अभी भी नया का स्मेल भी है, आप गाड़ी अगर टेस्ट ड्राइव लेने आइएगा या फिर गाड़ी देखने आइएगा तो आपको नया का स्मेल भी मिलेगा। ओनरशिप फर्स्ट ओनर प्राइसिंग फर्स्ट ओनर ये जो गाड़ी हम लोग एनकोड ऑटोस के तरफ से प्राइस कोट कर रहे हैं वो ओनली 2,80,000, वो भी विथ ऑल ऑफर, मैं बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ, जो वीडियो पहले से देख चुका है उनको सारा कुछ ऑफर के बारे में पता ही होगा, इंक्लूडिंग नेम ट्रांसफर ओनली 18,000 रन होंडा ब्रायो ब्रियो व्हाटएवर। जी हाँ, 2014 का गाड़ी है, होंडा ब्रियो 1.2 SMT वेरिएंट में है, कॉम्पैक्ट हैचबैक के साथ है, एकदम स्मॉल हैचबैक, 1.2 लीटर पावरफुल है, 1.2 लीटर, 83 का bhp है, एग्जैक्टली 114 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, ग्राउंड क्लीयरेंस है, हाँ सारा कुछ, ये सब डिटेल्स आपको कहीं पे नहीं मिलेगा, ठीक है, ये आपका टॉर्क कितना है, ग्राउंड क्लीयरेंस कितना है, कितना bhp है, कहीं नहीं मिलेगा। तो एक गाड़ी हम यूज कर रहे हैं उसका इंफॉर्मेशन ही नहीं है मेरे पास, तो क्यों यूज करेंगे, राइट तो थोड़ा बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन तो होना चाहिए, एग्जैक्टली राइट नहीं तो मतलब लेमैन होके जाइएगा तो मैकेनिक आपको लूट लेगा, राइट क्यों, आपके पास कोई नॉलेज नहीं है। जो भी है, 2014 का गाड़ी, 24 तक रोड टैक्स वैलिड मिल रहा है, फास्ट ओनर, 31,000 किलोमीटर ड्रिवेन विथ सर्विस हिस्ट्री, नॉट ए मीटर टेम्पर्ड, नॉट ए एक्सीडेंटल, नॉट ए फ्लडेड कर्सन, गारंटेड है, राइट ये जो गाड़ी हम लोग एनकोड ऑटोस के तरफ से प्राइस कोट कर रहे हैं वो ओनली 2,65,000 में मिल रहा है, ओनली 2,65,000 में मिल रहा है। जैसे कि शोभुजदा, मैं एक ब्लॉग देख रहा था, मैं इसमें थोड़ा सा डिटेल्स में आता हूँ, आज सुबह मैंने एक ब्लॉग देख रहा था, ऐसे ही एक होंडा ब्रियो वो 2 लाख का रेंज में बिक रहा था, अब कस्टमर सोच सकता है कि सेम ईयर 2014 का था, सेम ईयर सारा कुछ सेम है गाड़ी, लेकिन सेकेंड ओनर है, मेंशन नहीं किया, ओके 2014 का वो रजिस्ट्रेशन है लेकिन गाड़ी है 2013 का, ओके राइट आप 2013 का गाड़ी बेच रहे हो तो मैन्युफैक्चर्ड 2013 का गाड़ी तो 2 लाख होना ही चाहिए, 2014 का गाड़ी में 2014 का मैन्युफैक्चरिंग भी है और 2014 का रजिस्ट्रेशन भी है, तब ना आपको करंट माल मतलब करंट चीज आपको मिल रहा है, आप एक्सपायरी में चीज अगर खरीदने जाओगे तो वही प्राइस में आपको होना चाहिए। जब भी कोई कस्टमर को गाड़ी खरीदना है तो कस्टमर को मैन्युफैक्चरिंग ईयर भी उतना ही प्रायोरिटी देना है कि गाड़ी कितना पुराना है, गाड़ी रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन नहीं, एग्जैक्टली
रजिस्ट्रेशन तो आपका 2014 में ही हुआ है, लेकिन वो गाड़ी आपका 2013 में मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, तो एक साल पुराना गाड़ी है आपका. ओके, अंडरस्टूड. राइट, 2014 का प्राइस ब्रेक हो जाता है. प्राइस ब्रेक होगा ऑब्वियसली, प्लस सेकंड ओनर, थर्ड ओनर ऑब्वियसली, सेकंड ओनर वेरिएंट तो है, वेरिएंट तो है, किलोमीटर तो है ही. तो सेकंड ओनर में मिल रहा है, 2013 का मैन्युफैक्चरिंग, 2014 में रजिस्ट्रेशन है, ये सब में थोड़ा सा ध्यान दीजिए. मैं आपको बताना चाहूंगा, मैन्युफैक्चरिंग ईयर आपको दिखेगा स्मार्ट कार्ड का बैक साइड में, रजिस्ट्रेशन डेट आप लोग देखते हैं वो स्मार्ट कार्ड का फ्रंट साइड में मेंशन रहता है कि हाँ जनवरी 2014 में ये गाड़ी रजिस्ट्रेशन हुआ है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग हुआ है 2013 में. ओके, तो एक साल और एक साल पुराना आपका गाड़ी हो जा रहा है, क्योंकि ये प्रॉब्लम होगा जब वो गाड़ी के ऊपर आप लोन लेना चाहिएगा. राइट, आप जब लोन लेने जाएंगे तब बैंक का एक कैट होता है, एक टैट होता है, 10 साल का. तो बैंक आपका जो गाड़ी का वैल्यूएशन देगा वो मैन्युफैक्चरिंग ईयर के ऊपर वैल्यूएशन देगा कि कितना साल पुराना गाड़ी है, ना तो वो रजिस्ट्रेशन ईयर के ऊपर वैल्यूएशन देगा. ओके, राइट. देखिए, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, जैसे कि मैंने एक होंडा एमेज दिखाया था, 2019 का गाड़ी बोला था, लेकिन 2018 के उसका फेसलिट आ चुका था. राइट, लेकिन 2019 का गाड़ी वो सेकेंड फेसलिट में है मेरे पास, वो एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग ईयर जो है 2016 का मैन्युफैक्चरिंग है, ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ, 2016 का मैन्युफैक्चरिंग है. तो मैं 2019 का प्राइस नहीं मांगा उसका, 2019 का गाड़ी अगर होगा तो उसका 450, 460, 5 लाख तक मांग सकता है. राइट, तो मैं उसका 2016 का ही हिसाब से उसका प्राइस कोट किया कि 395. राइट, तो ये सब ट्रांसपेरेंसी देखना होगा कस्टमर. सो थैंक यू फॉर द क्लैरिटी दीप, आई थिंक इट्स अ ऑसम क्लैरिटी यू हैव गिवन. अच्छा हुआ आपका भी नॉलेज एनहांस हुआ. मेरा घर पे जो पहला गाड़ी था यही था, ऑल्टो, यही शेप का. अच्छा. 2005 पे अच्छा वी परचेज द फर्स्ट कार, घर का पहला गाड़ी. उस टाइम का 90% इंडियंस का फर्स्ट परचेज ऑल्टो ही था. एक पहले था मारुति 800, उसके बाद ऑल्टो ही आया था. तो ये गाड़ी का डिटेल्स में आ जाते हैं. यही गाड़ी पे मैं ड्राइविंग सीखा सब कुछ. उसके बाद शुभुजदा i20 लिया था. हाँ. 2010 का गाड़ी है, 25 तक रोड टैक्स वैलिड मिल जाएगा. BS4 गाड़ी है, 53,000 किलोमीटर ड्रिवेन, वो भी सर्विस रिकॉर्ड के साथ. फास्ट ओनर गाड़ी, मेजोरिटी ओरिजिनल पेंट, कहीं पे रस्टिंग, कहीं पे एक्सीडेंटल, ये सब आपको नहीं मिलेगा, पूरा गाड़ी सील्ड है. तो एलेक्साई वेरिएंट में आपका जो मिलेगा पावर स्टीयरिंग मिलेगा, एसी मिल जाएगा. राइट, आफ्टर मार्केट म्यूजिक सिस्टम ऑलरेडी है इसमें. हम लोग एनकोर ऑटोस के तरफ से इसका जो प्राइस कोट कर रहे हैं वो ओनली 1,15,000, वो भी इंक्लूडिंग नेम ट्रांसफर. 10 का गाड़ी, 25 तक टैक्स, BS4 इंक्लूडिंग नेम ट्रांसफर, दोस्तों 1,15,000. और मक्खन है, ये जो ऑल्टो का इंजिन है ना, मक्खन है.